बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर गुलज़ेब अब्बास। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल रिफ्लेक्ट एंड शाइन। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो अट्रैक्शन जो है उसको हम यूटिलाइज करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ज़ीरोग्राफी। इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, आप अपने पास अपनी राइटिंग के लिए जो चीज़ें हैं चाहिए वो आप लिख पास रखें, और उसके साथ ही हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं, आप साथ साथ लिखना इसको शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या है। बेसिकली हम ज़ीरोग्राफी को नाम देते हैं फोटो कॉपियर का भी, तो इट्स एक्चुअली द कॉपियिंग प्रोसेस इज कॉल्ड ज़ीरोग्राफी। अब ये ज़ीरोग्राफी दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। द फर्स्ट वन इज वो आपके पास जीरोस, जिसका मतलब होता है ड्राई, एंड देन इट्स ग्राफोस। द सेकंड वर्ड इज ग्राफोस, इट्स मीनिंग राइटिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस है ये क्या बनेगा, ड्राई राइटिंग। अब ड्राई राइटिंग इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो इंक यूज की जाती है राइटिंग के लिए वो एक पाउडर फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में मौजूद होती है, इसलिए हम इसको ड्राई राइटिंग कहते हैं। तो सबसे पहले इसी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं, वो देखते हैं कि क्या है। तो जैसे कि डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, इसका जो हार्ट होता है, जो इसका मेन पोर्शन है वो होता है ड्रम। अब ये जो ड्रम है ये बना होता है एल्युमिनियम का, मैं इसको यहाँ पे आपको साथ में मेंशन कर देता हूँ कि ये जो ड्रम है ये बना होता है एल्युमिनियम का, ठीक है। और इस ड्रम के ऊपर, इस ड्रम के ऊपर एक छोटी सी, एक बहुत बारीक बहुत थिन लेयर जो है वो आपके पास होती है एक एलिमेंट की, जिसको नाम दिया जाता है सिलीनियम, ठीक है। ये जो लेयर है इसे कहा जाता है सिलीनियम। अब ये और उसके बाद हम सिलीनियम की बात करते हैं कि ये क्यों यूज किया गया। उसके बाद फिर हमारे पास एक लाइट सोर्स होता है लैंप की फॉर्म में, ठीक है। एक टोनर सोर्स होता है, यहाँ पे टोनर कार्टरेज मौजूद है और पेपर ट्रे ऑब्वियसली होगा, और यहाँ पे कुछ हीटिंग रोलर्स जो है वो मौजूद होते हैं। इनकी वर्किंग हम आगे जाके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम, वी ऑल नो दैट इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर, इसका मतलब है इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन जो वो मौजूद हैं। अब आ जाते हैं सिलीनियम की तरफ। तो सिलीनियम जो है ये फोटो कंडक्टर है। सिलीनियम ये आपके पास एक फोटो कंडक्टर है। अब फोटो कंडक्टर का मतलब क्या है, फोटो कंडक्टर का मतलब ये है कि ये इंसुलेटर होता है डार्क, ठीक है। और जब एक्सपोज किया जाता है लाइट के अंदर, जब इसके ऊपर लाइट फॉल करवाई जाती है तो ये एक कंडक्टर बनता है। अब इसकी इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सिलीनियम बेसिकली एक फोटो कंडक्टर है, जब तक ये डार्क में मौजूद है, जब तक इसके ऊपर लाइट फॉल नहीं कर रही तो ये बिहेव करेगा एज अ इंसुलेटर। लेकिन जब इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी या इसके जिस हिस्से पे लाइट फॉल करेगी वो हिस्सा इसका क्या बनेगा, कंडक्टर बन जाएगा, तो ये कंडक्शन स्टार्ट कर देगा। अब चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। वर्किंग में क्या होता है, सबसे पहले ये जो ड्रम है इसको एक्सपोज किया जाता है उस इमेज के साथ, उस पेपर के इमेज के जिसके हमने कॉपी करना है। जैसे यहाँ पे सपोज करें कि हमने ये हमारे पास एक पेज है, एक पेपर है, जिसको हमने क्या करना है, कॉपी करना है। तो होगा क्या कि यहाँ से लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके तो इस ड्रम के ऊपर पड़ेगी। अब ड्रम के ऊपर लाइट इस तरह से फॉल करेगी कि इसके जो डार्क और लाइट एरियाज हैं वो उसी तरह प्रोड्यूस करेंगे डार्क और लाइट एरिया ड्रम के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर जस्ट लाइट के कुछ हिस्सा इसका डार्क है, कुछ लाइट है, तो ये इसके ऊपर क्या करेगा, फॉल करेगा, उसी तरह का पैटर्न बनाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सिलीनियम जो है ये फोटो कंडक्टर है, मतलब ये हुआ कि जो हिस्सा डार्क रह गया सिलीनियम का, वो स्टार्ट करने से सिलीनियम को इसको पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, यानी कि जब ये प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड किया जाता है सिलीनियम के ऊपर, और उसके बाद ये जब पैटर्न बनता है डार्क और लाइट, लाइट का डार्क और लाइट एरिया से बनते हैं, तो होता क्या है कि ये सिलीनियम के ऊपर भी सेम पैटर्न बनता है डार्क और लाइट एरियाज का, जो पैटर्न था इसके ऊपर आपके पेपर के ऊपर। तो हो गया क्या कि जो इसका
डार्क एरिया है वो रिटेन करेगा अपना पॉजिटिव चार्ज और जो लाइट एरिया है वो हो जाएगा न्यूट्रल। वो न्यूट्रल कैसे होगा कि इसका ये वाला हिस्सा सपोज करें कि ये सेलेनियम का हिस्सा जो है ये डार्क बना, तो अब सेलेनियम के नीचे मौजूद है एल्युमिनियम, तो ये क्या करेगा एल्युमिनियम से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और अपने आप को क्या बना देगा न्यूट्रल फॉर्म में। तो इस तरह से जो लाइट एरियाज है सेलेनियम के ऊपर वो हो जाएंगे न्यूट्रल। अब बचेगा क्या सिर्फ पॉजिटिव चार्ज उन एरिया में जो डार्क थे। तो मतलब ये अगर हम सपोज करें जस्ट इमेजिन कि हमारे पास जो हम इमेज कॉपी करना चाह रहे थे वो है कुछ इस तरह से, ये हमने सपोज किया कि हमारे पास क्या था एल्युमिनियम का ड्रम और इसके ऊपर हमने कहा कि लेयर है सेलेनियम की। अब हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम वर्ड टाइप करना चाह रहे हैं ए, यानी कि प्रिंट करना चाह रहे हैं ए, तो उसमें होगा क्या कि जैसे हमने बताया कि डार्क और लाइट एरिया से हम क्रॉसकॉर्डिंग एरिया बनाएंगे, तो अब सेलेनियम के ऊपर इसी फॉर्म में चार्ज, यानी के इस फॉर्म में आपके पास पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बच जाएगा। ये उस एरिया में बचेगा जिस एरिया पे आपकी लाइट जो है वो डार्क रीजन बना था या लाइट फॉल नहीं की थी। तो ये बात जो लिखी है कि पॉजिटिव चार्ज इमेज रिमेंस ऑन सेलेनियम, तो वो इस तरह से बनेगा। अब क्या होगा कि इस कार्ट्रिज के अंदर से टोनर जो है जो ब्लैक पाउडर एक है उसको दिया जाता है नेगेटिव चार्ज। अब उसको नेगेटिव चार्ज दिया जाएगा तो ये तो अंडरस्टूड बात है कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ क्या होगा अट्रैक्ट। जब इस टोनर को इसके ऊपर स्प्रिंग किया जाता है, इसको ड्रम के ऊपर उसको ड्रम के साथ लगाया जाता है ये कह लें, तो उस केस में होगा क्या कि वो पाउडर जो है वो क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो वो इसके ऊपर आके स्टक हो जाएगा। इट विल बी स्टक ऑन द पॉजिटिव इमेज, जो जो पॉजिटिव एरिया था सेलेनियम स्टैंडर्ड का उसके ऊपर आके क्या हो जाएगा स्टक। ठीक हो गया। अब ये पाउडर इसके ऊपर हो गया स्टक, तो होगा क्या कि पेपर जो है जहां से पेपर सोर्स है वो इस सिलेंडर के साथ क्या करेगा अपने आप को रिवॉल्व करेगा और हीटिंग रोलर्स जो है वो क्या करेंगे इस टोनर को मेल्ट करेंगे पेपर के अंदर, यानी कि ये पेपर के अंदर जो है इस रिंग को क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे। और जब पेपर आपके पास बाहर आएगा तो उसमें जो आपके पास राइटिंग होगी या जो इमेज आपका कॉपी होके आएगा वो ये होगा। तो ये थी वर्किंग इसकी। दोबारा से कुछ मैं इसको रिव्यू कर देता हूँ कि इसका जो मेन काम है जो मेन इसका फंक्शन है वो होता है सेलेनियम का। सेलेनियम की जो प्रॉपर्टी यूज की जाती है फोटो कंडक्टिविटी, वो हम यूज करते हैं कि लाइट जब फॉल करेगी तो ये बनता है कंडक्टर। तो ये जिस हिस्सा में इसका लाइट फॉल नहीं करती वो इंसुलेटर कहता है, तो जहाँ पे इंसुलेटर है वहां पे कंडक्शन नहीं हो सकती, तो जो चार्ज उसके पास मौजूद है वो चार्ज उसके पास रहेगा। तो ये इसका जो है पॉजिटिव चार्ज इमेज रिमेंस ऑन सेलेनियम। तो फिर इसके ऊपर क्या किया जाता है पाउडर को इसके साथ फेंका जाता है या स्प्रिंग किया जाता है, छिड़काव किया जाता है पाउडर का, तो उसमें होता ये है कि वो पाउडर जाके इन पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है स्टक हो जाता है क्योंकि पाउडर को नेगेटिव चार्ज दिया जाता है और फिर ये इमेज है वो पेपर के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। ये था जी आज का लेक्चर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।